इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीनेशनल इज एमएनसीज़ ठीक है तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन क्या होता है वो हम पढ़ते हैं पहले मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन मतलब ऐसे कंपनी जिसका ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में होता है ओके okay? मल्टीपल नेशन में होता है दैट्स व्हाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ठीक है मल्टीनेशनल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और एमएनसीज हैव बीन प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल ओके ग्लोबली एंड हैव बीन इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक ओके इस तरह ये ग्लोबली परफॉर्म करती है मल्टीनेशियल्स कंपनीज ओके एंड इंटीग्रेट मतलब एक साथ एक दूसरे के साथ सारी कंपनी क्या कर रही है ग्लोबली चलती है ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक में हाईवर द रोल एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड रीजन आर ऑफ़ कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है और क्या होता है कि इसका रोल जो होता है मल्टी नेशनल कंपनी का उससे क्या होता है कि अगर किसी भी कंट्री में मल्टी नेशनल कंपनीज के ब्रांचेस स्टार्ट होते हैं तो उसका पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट होता है उसकी जी डी पी से रिलेटेड डेवलपमेंट uh, uh, होता है राइट right? multinational companies have therefore evoked patient of an extreme uh, nationalistic variety across the political uh, spectrum iska matlab kya hota hai ki jo multinational company hoti hai wo kya karti hai different different country mein alag alag variety product प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करती है right? इस तरह क्या होता है multinational company काफ़ी अच्छा role uh, play करती है इकोनॉमिक के development में right? multinational company मैकडोनल्ड्स ओके नेस्ले ठीक हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी मल्टीनेशनल कंपनी का मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कॉरपोरेशन दैट हैज इट्स फैसिलिटीज एंड अदर असर्ट्स इन एट लीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री ठीक है अपनी कंट्री से एटलीस्ट एक कंट्री में तो उसका ब्रांच होना चाहिए ठीक है या फिर ये कंपनी इस्टेब्लिश होनी चाहिए दूसरी कंट्री में उसके होम कंट्री में भी होनी चाहिए प्लस उसके अलावा भी दूसरी कंट्री में होनी चाहिए एटलीस्ट वन कंट्री ओके उसे हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी ओके सच कंपनीज हैव ऑफिस एंड और फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्री एंड यूजली हैव सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस वेयर दे कोऑर्डिनेट ग्लोबल मैनेजमेंट ठीक है तो ऐसी कंपनीज क्या होती है और ऐसी कंपनीज के क्या ऑफिस और फैक्ट्रीज होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में राइट right? और सेंट्रलाइज हेड ऑफिस जो उसकी होम कंट्री होती है उसमें उसका सेंट्रलाइज हेड ऑफिस होता है जहाँ से वो सारा मैनेजमेंट देखती है राइट वेरी लार्ज मल्टी हैव बजट दैट एक्सिड ऑफ मेनी स्मॉल कंट्रीज राइट इस तरह

तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो क्या होती है सेंट्रलाइज होती है ठीक है और जो हर्टीएंसीज होती है ठीक है ट्रांजेशनल कॉरपोरेशन वो डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज uh, होती है राइट तो अभी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब हम समझते हैं सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन होती है ठीक है जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती है जैसे कि हुआ पेप्सिको हुई ओके नेस्ले हुई तो ये सब जो मल्टी कंपनीज होती हैं ये सेंट्रलाइज uh, होती है मतलब जहां पे इनका हेड क्वार्टर होता है राइट right? जहां पे इनकी कंपनी होती है जो जहां पे जहां से ये ओरिजिनेट होते हैं कंपनीज राइट वही एक डिसीजन लेता है जो हेड ऑफिस होती है वही सारे ब्रांचेस जो भी जिस भी कंट्री में उसके ऑफिस है फैक्ट्रीज है सबका डिसीजन वो हेड ऑफिस ही लेती है ठीक है तो ये क्या होता है सेंट्रलाइज होता है अब टी एन क्या होता है डिसेंट्रलाइज अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है इसमें आते हैं हिंदुस्तान लेवर मैकडोनल्ड राइट ये सारी जो कंपनीज होती है वो टी

ऐसा नहीं है टीएनसी में ऐसा नहीं होता में क्या होता है कि जिस भी कंट्री में वो उसका ब्रांच रहेगा उसकी ऑफिस रहेगी राइट वो खुद सारा का सारा डिसीजन लेगा प्रॉफिट से से हो हो डेफिसिट मैनेजमेंट से हो, हो कॉस्ट से हो सारा का सारा का सारा डिसीजन वो ब्रांच लेगा खुद राइट तो यही डिफरेंस है एम uh, में एंड टीएनसी में राइट एमएनसी क्या होता है सेंट्रलाइज मतलब हेड ऑफिस ही डिसीजन लेती है सारे ब्रांचेस का राइट तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो समझना जरूरी था राइट तो अभी हम पढ़ेंगे रोल एंड एडवांटेज ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज रोल एडवांटेज ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन ओके फर्स्ट रोल क्या है मल्टीनेशनल कंपनीज का और टी का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ठीक है अगर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत ज्यादा लोगों को क्या करती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है राइट right? हंड्रेड लार्जेस्ट टीज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू फोर्टीन पॉइंट थ्री मिलियंस परसन एट होम एंड अब्रॉड थ्रू दिस रिप्रेजेंट ओनली अराउंड थ्री ऑफ द वर्ल्ड लेबर फोर्सॉयमेंट इन टाउं फॉर नियरली टेन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड ओके एंड क्लोज टू ट्वेंटी डेवलप कंट्री अलोम तो कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्लस एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इनडायरेक्टली अंडरस्टूड इस तरह चाहे वो होम कंट्री हो मतलब जिस कंट्री में वो कंपनी uh, हो स्टैब्लिश हो उस कंट्री को भी एम्प्लॉयमेंट uh, मिलता है प्लस जिस कंट्री uh, जिस कंट्री में उसका ब्रांचेस हो उस कंट्री को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है सो so, uh, ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मल्टी नेशनल कंपनी उसका रोल जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का वो काफ़ी ज़्यादा uh, अच्छा है राइट right? क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है सेकेंड पॉइंट क्या है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ठीक है अब Uh, हमने देखा कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती ही देती है वो जैसे कंपनी स्टैब्लिश हुई तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है राइट right? उसके लिए उन लोगों को स्किल वगैरह होनी चाहिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ठीक है जो डायरेक्टली जॉब प्रोवाइड करती है मल्टीनेशनल कंपनीज लोगों को राइट right? अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है कैसे हम पढ़ेंगे टी एनसीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू बैकवर्ड लिंकेज सच एज द परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स ओके पार्ट पार्ट एंड कॉम्पोनेट फ्रॉम द सब कॉन्ट्रैक्टर एंड एक्सटर्नल सप्लायर इस तरह क्या होता है कि अब कोई भी कंपनी है पेप्सिको वगैरह है उनको जूस बनाना है या कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए रहेंगे राइट एग्रीकल्चर सेक्टर से या फिर कोई भी सेक्टर हो वहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट चाहिए रहेंगे मतलब फैक्टर्स तो चाहिए रहेंगे ना प्रोडक्शन करने के लिए राइट तो इनडायरेक्टली उनको भी जॉब मिलेगा ओके जो ट्रांसफर कर रहे हैं ये ये डायरेक्ट जॉब तो नहीं है ना राइट ये क्या है इनडायरेक्ट जॉब है वो लोग क्या करेंगे रॉ मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं कंपनीज में राइट पार्ट्स कंपोनेंट्स तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं मल्टीनेशनल कंपनी स्टैब्लिश होने की वजह से तो इनडायरेक्ट जॉब भी लोगों को मिल रहा है राइट जो इससे तो इससे रॉ मटेरियल वगैरह ट्रांसफर करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो रॉ uh, मटेरियल देते हैं राइट right? उनको भी जॉब मिलती है ठीक है इस तरह उनको भी uh, uh, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है क्यों क्योंकि थोड़े पैसे मिलते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट हैज ग्रोन इन रिसेंट ईयर एज द फॉर्म्स इंक्रीजिंगली रिले ऑन द नेशनल एंड द ग्लोबल आउटसोर्सिंग फॉर टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट और द फ्लेक्सिबल रीजन ठीक है अब ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है राइट इन डायरेक्ट जॉब की इम्प्लॉयमेंट्स इनडायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट की ये इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है राइट एफ थर्ड पॉइंट क्या है रोल क्या है मल्टी कंपनीज का वो एफ ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट दट टॉप हंड्रेड टीएं इज कंट्रोल अबाउट वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओके एफ डी आई होती है मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ द मल्टीनेशनल आर लोकेटेड आउटसाइड देअ होम कंट्रीज ठीक है फोर्टी परसेंट जो असेट uh, है वो uh, मतलब होम कंट्री से बाहर जो कंट्री उस है उसमें जाते हैं राइट मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट दैट डज नॉट okay, मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज uh, है जो इन्वेस्टमेंट है वो लोकल सेविंग uh, से फाइनेंस नहीं किया जाता राइट विच कैन बी यूज फॉर बिल्डिंग अदर एसेट्स इन द कंट्री राइट मतलब कंट्री में और भी एसेट्स वगैरह और भी मशीनरी और भी फैक्ट्री राइट right? ऐसे uh, चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं ऐसे चीज़ों को जनरेट करते हैं राइट right? क्यों क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एफ होगी फंड आएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर कंट्री का क्या होगा डेवलपमेंट होगा फोर्थ क्या है टेक्नोलॉजी ये रोल प्ले करती है मल्टीनेशनल कंपनी टेक्नोलॉजी का एम एन सीज कैपिटल ब्रिंग्स विद इट अप टू डेट टेक्नोलॉजी विच शुड बी हार्ड टू डेवलप डोमेस्टिकली और इवन ट्रांसफर टू होम ओन फार्म ओके विदाइट द टेक्नोलॉजी में नॉट बी कमर्शली अवेलेबल तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को लाती है राइट right. इस क्योंकि क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंट्री होती है वो नॉ उतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो नए नए टेक्नोलॉजी अपडेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके. Right? तो मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से क्या होता है मतलब दूसरे कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें होने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है उस पर्टिकुलर कंट्री में राइट right? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीनेशनल कंपनी का इकोनॉमी को ग्लोबली डेवलप करने के लिए फिफ्थ वन हायर इनकम राइट मल्टीनेशनल प्रोवाइड हायर पेइंग जॉब ओके देन माइट बी अवेलेबल टू द लोकल इनहेबिटेंट्स एंड दस रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इस तरह क्या होता है जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं राइट right? अगर वो मल्टी कंपनीज में काम करते हैं तो उनको ज्यादा से ज़्यादा जॉब मिलती है प्लस हाई पे, जॉब मिलती है क्यों मतलब उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है राइट क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है, है राइट हाई स्किल्ड उनको लेबर चाहिए होते हैं राइट इस तरह ये काफी हाई पे भी करते हैं अंडरस्टूड तो इस वजह से क्या होता है कि जितना ज्यादा उनको हाई ये सैलरी वगैरह मिलेगा उतनी अच्छी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगी राइट सिक्स्थ क्या है फॉरेन नेटवर्किंग एंड एक्सेस टू फॉरेन मार्केट ठीक है तो नेम सजेस्ट कर रहा है कि फॉरेन नेटवर्किंग एंड एक्सेस टू रहे हैं किटवर्किंग मल्टी नेशनल स्टेब्लिश वगैरह होंगे तो इस तरह क्या होगा कि फॉरन नेटवर्किंग स्टैब्लिस होगी ओके नेटवर्क अच्छा रहेगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से प्लस फॉरन मार्केट के बारे में फॉरन मार्केट को भी एक्सेस कर सकते हैं राइट right? तो मल्टी नेशनल कंपनी नेवल द फॉरन नेटवर्किंग बाई लिंकिंग द

कंपनीज क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक लिखा है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का और कंट्री का नाम नहीं लिया है राइट वर्ल्ड इकोनॉमिक मतलब किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से क्या होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक में क्या हो सकता है आ, ये लिंकिंग ओके लिंकिंग नेटवर्किंग हो जाएगा मतलब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे जिसकी वजह से फॉरेन मार्केट और फॉरेन नेटवर्किंग होगा राइट right? जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हर वर्ल्ड इकोनॉमिक के लिए राइट right? हर एक हर एक इकोनॉमिक एक, एक, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक के लिए इस तरह ग्लोबली डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मल्टी कंपनीज़ का अभी सेवेंथ क्या है Skills okay, multinational uh, companies provide training in advanced worker okay, and management skills that come due to being linked with the global market. Okay, these are skills uh, that cannot be purchased from abroad. राइट right? तो जो स्किल्स होती है वो हम परचेज तो नहीं कर सकते अब्रॉड से इसके लिए जिस भी कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस और फैक्ट्रीज और ब्रांचेस स्टैब्लिश हो रहे हैं उनको उस कंट्री के लेबर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है राइट क्योंकि मैनेजमेंट स्किल उनको मैनेजमेंट स्किल की ट्रेनिंग देनी पड़ती है वर्क की ट्रेनिंग देनी पड़ती है राइट right? क्योंकि हम मतलब वो पर्टिकुलर कंट्री जो भी होगी वो स्किल परचेज तो नहीं कर सकती ना उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है लेबर को राइट right? तो इस तरह उस पर्टिकुलर कंट्री के स्किल लेवल भी बढ़ जाते हैं वहां के लेबर काफी स्किल्ड हो जाते हैं राइट right? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है मल्टी कंपनीज का एक्सटर्नलिटीज ओके okay.

कंपनी का तो हमारी कंट्री क्या हो जाती है होस्ट कंट्री हो जाती है ठीक है विच दे कैन नॉट टेक अवे एज पार्ट ऑफ देयर ओन इनकम ठीक है वो खुद के इनकम से इतना बेनिफिट नहीं गेन कर पाएंगे जितना मल्टीनेशंस कंपनीज देती है राइट बेनिफिट सच एज ट्रांसफर ऑफ जनरल नॉलेज एंड ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द लेबर फोर्स ठीक है इंट्रोडक्शंस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ओके मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड तो okay? so, ये सारे बेनिफिट बताया एक्सटर्नलिटी बोला को बेनिफिट राइट तो एक्सटर्नलिटी बोला है मतलब बताया कि जो मल्टी नेशनल कंपनी जो होती है वो होस्ट कंट्री में ये सारे बेनिफिट देती है राइट right? टेक्नोलॉजी आती है राइट अब इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग होती है वर्क एक्सपीरियंस भी लोगों का बहुत अच्छा होता है मतलब लेबर का राइट और मॉडर्न मैनेजमेंट होता है अकाउंटिंग मेथड मतलब कैसे अकाउंट किया जाए सरप्लस हुआ कॉस्ट कितना लगा डेफिसिट हुआ ये सारे अकाउंटिंग मेथड भी उन लोगों की काफ़ी हाई होती है राइट तो जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो ये सब अकाउंटिंग मेथड मॉडर्न मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है तो वो डेवलपिंग कंट्री भी डेवलप करने लगती है राइट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी वो लोग देते हैं राइट तो इस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट right? नाइन्थ क्या है कॉम्पिटेटिवनेस अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ अफेक्टेड द होस्ट कंट्री कॉम्पिटेटिवनेस रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड एनेबल द होस्ट कंट्री टू अट्रैक्ट न्यू कैपिटल ऑन फेवरेबल टर्म इससे क्या होता है कि अगर जो मल्टी नेशनल कंपनी होस्ट कंट्री मतलब जिस कंट्री में उसके ब्रांचेस स्टैब्लिश होती है उसे होस्ट कंट्री कहते हैं जैसे कि मैंने बताया तो होस्ट कंट्री में अगर मल्टी नेशनल कंपनी आती है तो कॉम्पटिशन तो बढ़ना ही है राइट इससे कॉम्पटिशन बढ़ लगता है क्यों क्योंकि जो मल्टी नेशनल कंपनी है वो प्रोडक्टिव ओके प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए होती है न वो उसके जो प्रोडक्ट uh, होते हैं राइट right? जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता है इसलिए उस पर्टिकुलर कंट्री में मतलब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है जो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है क्यों क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा उतना ज्यादा इनोवेशन uh, होगा और नए नए इन्वेस्टमेंट भी होंगे राइट न्यू कैपिटल ओके तो ये ये रोल है मल्टीनेशनल कंपनी का टेंथ क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके मेनी स्मॉल कंट्रीज कुड बी सेड टू बी सॉरी टू हैव बिगिन इंडस्ट्रियलाइजेशन विद मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट ओके तो अभी क्या होता है कि जो जो स्मॉल स्मॉल कंट्री है वो क्या करती है इंडस्ट्राइजेशन होना चाहती है तो वो मल्टी नेशनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है टिपिकली सच फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिगिन विद द असेंबली ऑफ कॉम्पोनेट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द सोर कंट्री राइट तो क्या होता है कि जो एफ डी आई है राइट right? जो एफ डी आई होती है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोन इंपोर्ट करती है डिफरेंट कंट्रीज से तो इससे क्या होता है कि जिस कंट्री से इंपोर्ट करेगी उस कंट्री में भी फॉरन एक्सचेंज जाता है तो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है पर्टिकुलर कंट्री में राइट right? क्या है इलेवेंट ओके मल्टीनेशनल कंपनी आर एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज राइट right? तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट जो होता है वो बढ़ाती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में मतलब जो कम डेवलप कंट्री हो और जो डेवलप कंट्री इन दोनों के बीच में क्यों क्योंकि जो डेवलप कंट्री होगी वो वो अपनी कंपनी डे, डेवलपिंग कंट्री में इस्टेब्लिश करेगी तो उसकी वजह से दोनों में कॉन्टैक्ट अच्छा होगा राइट right? तो इस तरह जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप मतलब जो डेवलप है वो भी डेवलप करेगी मतलब जो लेस डेवलप कंट्री है वो भी डेवलप करेगी क्यों क्योंकि डेवलप

टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन ओके अब टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है स्प्रेड होना राइट right? तो मल्टी कंपनी है तो टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन तो होगा ही right? राइट क्यों क्योंकि जितने 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 कंट्री में मल्टी कंपनी के ब्रांचेस इस्टैब्लिश होंगे उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्या करेगी स्प्रेड करेगी राइट उतने ज्यादा उतने ज़्यादा कंट्री में टेक्नोलॉजी फैलेगी मल्टी कंपनी में ऑल्सो प्रोवाइड टेक्नोलॉजी डिफ्यूशन थ्रू लेबर टर्न राइट एज डोमेस्टिक एम्प्लॉयज एंड मोर फ्रॉम फॉरन टू डोमेस्टिक फार्म राइट इस तरह क्या होता है सॉरी एम्प्लॉयज मूव फ्रॉम फॉरेन टू डोमेस्टिक तो इस तरह क्या होता है कि जो फॉरन uh, कंपनीज होती है मल्टी कंपनी वो क्या करती है डोमेस्टिक uh, जो लेबर होते हैं उनको ट्रेन करती है उनके स्किल लेवल को बढ़ाती है राइट right? तो इस तरह और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का नॉलेज आता है उन्हें राइट right? तो इसलिए ये मल्टी कंपनी क्या करती है रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन का भी ओके फोर्थ सॉरी फोर्थीन क्या है वेल्थ क्रिएशन राइट तो मल्टी कंपनी क्या करती है वेल्थ क्रिएशन भी करती है राइट right? एसेट्स क्रिएट भी करती है क्यों देखो मल्टीनेशनल कंपनीज चैनल फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल टू कंट्रीज विद द कैपिटल शॉर्टेज राइट तो मल्टीनेशनल uh, कंपनी क्या करती है कि जो uh, जिस भी कंट्री में कैपिटल की शॉर्टेज होती है उसको फिलफिल -फिल करती है एज एज अ कॉन्सिक्वेंस वेल्थ इज क्रिएटेड इस तरह जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि इकोनॉमिक में अगर कैपिटल आए मतलब इन्वेस्टमेंट राइट right? तो जितना ज्यादा कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा राइट right? उतना ज्यादा होगा वेल्थ क्रिएशन तो होना ही है राइट

वो भी क्या होगा इंप्रूव होगा पर्टिकुलर कंट्री का राइट फिफ्टीन रोल और फंक्शन क्या है मल्टीनेशनल कंपनी का वो हम देखेंगे जनरेशन ऑफ रेवेन्यू ओके। न्यू टैक्स रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम द कंपनीज जनरेटेड इनकम अलॉन्ग डेवलपिंग कंट्री टू इम्प्रूव इंप्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू स्ट्रेंथेन देयर ह्यूमन कैपिटल ओके ए सिंपल जैसे कि क्या होता है कि जो मल्टी नेशनल कंपनी होती है राइट right, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है राइट फॉरेन कंपनीज है राइट right, तो इस तरह क्या होता है जो डोमेस्टिक कंट्री में आती है या फिर खुद की कंट्री में वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्या करती है जनरेट करती कंपनी में राइट right, तो बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना ज़्यादा टैक्स किसके पास जाएगा गवर्नमेंट के पास जाएगा ठीक है जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स ओके okay, तो जो डेवलपिंग कंट्री होती है अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएंगे क्यों क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है राइट तो उस टैक्स को यूज़ करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर ओके okay, और ह्यूमन कैपिटल को भी क्या कर सकती है इंप्रूव कर सकती है ओके okay, उस पर्टिकुलर कंट्री uh, में सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्सटीन रोल क्या है मल्टीनेशनल कंपनी का रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी एंड रिजोलूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट राइट तो मल्टी कंपनी क्या करती है पॉवर्टी को रिड्यूस करती है राइट right? और जो कॉन्फ्लिक्ट uh, हो रहे हैं उसको भी क्या करती है सॉल्व करती है राइट right? कैसे देखो अगर मल्टी कंपनी आएगी ठीक है तो अभी अभी हमने बहुत सारे uh, एडवांटेज रोल और फंक्शन देखे राइट तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर रही है कि जॉब क्रिएट कर रही है राइट रेवेन्यू भी ज़्यादा हो रहा है टेक्नोलॉजी डिफ्यूशन हो रहा higher productivity है हाइयर प्रोडक्टिविटी है मॉडर्न मैनेजमेंट है तो ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो लोगों को जॉब मिल रहा है राइट वो भी हायर पेंग जॉब है राइट जिसकी वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है ओके तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो पॉवर्टी जो गरीबी है वो तो कम होगी ही ठीक है कम होगी हाँ बाई इम्प्रूविंग द एफिशंसी ऑफ कैपिटल फ्लोज राइट अब क्या हो रहा है कि ये पोवर्टी कैसे कम होगी क्योंकि क्या हो रहा है फ्लो ज्यादा हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज रिड्यूस वर्ल्ड पोवर्टी लेवल एंड प्रोवाइड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी दैट इज कंसिस्टेंट विद्यू विध दैट विदनाइटेड नेशंस मिशन ओके कंट्रीज आर एंकरेज टू कॉपरेट एंड टू सीक पीसफुल सोलूशन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट राइट तो मल्टीनेशनल company okay united nations के साथ क्या कर सकती है जो गाइडलाइंस है उसके कि सारे ग्लोबली वर्ल्ड इकोनॉमिक में क्या पीसफुल इन्वामेंट को क्रिएट करना जो कि रेजोलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है उसको ख़त्म करना राइट कम करना ये रोल और फंक्शन और एडवाटेज है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के राइट और इस तरह क्या कर सकती है जितना ज़्यादा कैपिटल फ़्लो होगा पर्टिकुलर कंट्री में राइट उतना ज़्यादा पॉवर्टी क्या हो जाएगी कम होगी राइट क्योंकि उससे जॉब क्रिएट होगा ओके okay? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मल्टी कंपनी का इकोनॉमिक ओके सेवेंटीन रोल एडवांटेज और फंक्शन देखते हैं हम इनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी राइट तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करती है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करे जो इन्वायरमेंट को हार्म करे राइट right? तो वैसा नहीं होना चाहिए मल्टी नेशनल्स कंपनीज हैव प्रोवाइडेड डेवलपिंग कंट्री विद मच नीडेड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मल्टी नेशनल कंपनी का कि वो ऐसे डेवलपिंग uh, कंट्री जो होती है वो ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ओके okay? जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो right if developing country desire to escape severe conditions of poverty they need to privatize okay deregulate protect uh, protect private property rights and establish a rule of law okay and the multinational uh, companies will then provide the capital okay so multinationals company जो भी पवर्टी जो डेवलपिंग कंट्री अगर वो चाहते हैं कि पवर्टी वगैरह जो सीरियस पॉवर्टी है वो खत्म हो तो उसको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा डी रेगुले, रेगुलेट मतलब दि, करना पड़ेगा अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मल्टी नेशनल कंपनी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी राइट एटीन रोल फंक्शन क्या है मल्टी नेशनल कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर राइट तो जो मल्टी नेशनल्स कंपनी होती है वो क्या करती है उस कंट्री में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसको डेवलप करने के लिए वो क्या करते? करती है इन्वेस्टमेंट करती है राइट तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करती है बिल्ड करती है राइट तो ये भी एक एडवांटेज रोल फंक्शन है मल्टी नेशनल कंपनीज के राइट अभी हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी अभी हमने बहुत सारे एडवांटेज देखे राइट एटीनथ एडवांटेज देखें मल्टी कंपनी का अभी हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि और क्या डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि जहाँ पे एडवांटेज वहाँ पे डिसएडवांटेज हो गई राइट फर्स्ट क्या है मोनोपोली पावर ओके सम मल्टी कंपनीज आर लार्जर एंड ऑफ मोर पावरफुल ओके देन द कंट्रीज दे इन्वेस्ट इन एंड देर सीक टू कंट्रोल पॉलिसीज इन देयर फेवर राइट right? तो बहुत सारी ऐसी मल्टी नेशनल्स कंपनी है राइट right? नेम नहीं देंगे राइट right? जो बहुत सारे ऐसे मल्टी नेशनल कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं काफी इन्वेस्टमेंट काफी फंड होते हैं वो लार्जर होती हैं राइट right? तो वो क्या करती हैं कंट्री में वो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करती हैं कि उस कंट्री में उसका मोनोपोली हो राइट right? वो उस कंट्री की पॉलिसीज को कंट्रोल कर सके उनके फेवर में जैसा उनको अच्छा लगेगा मतलब जैसा मल्टी कंपनी के फेवर में होगा वो ऐसे ही पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए जाएगी ठीक है इसे हम मोनोपोली पावर कह सकते हैं राइट सिंगल पावर उसी मल्टीनेशनल कंपनी का तो ये डिसएडवांटेज uh, होता है किसी भी कंट्री के लिए राइट right? सेकंड क्या है लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज ओनली फर्दर फर्दर लो लेवल स्किल डेवलपमेंट इन लेस डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है तो कहने का मतलब है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज होती है उसमें क्या करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप नहीं कर पाती है क्यों क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं राइट तो उनको उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं क्यों क्योंकि मल्टी कंपनी में जो काम करते हैं उनको हाईली क्वालिफाइड होना पर, होना पड़ता है राइट तो ये डिसएडवाटेज है मल्टी कंपनी के थर्ड है प्रॉफिट रिपेट्रिएटेड इन फॉरेन एक्सचेंज ओके प्रॉफिट ऑफ अब नेटेड मतलब क्या होता है कि वो लोग हो सकता है कि जो मल्टी कंपनी है ओके okay, वो क्या कर सकती है कि जो भी पैसे कमा रही है राइट जो भी इनकम uh, अर्न कर रही है ठीक है जिस कंट्री में उसने अपने ब्रांचेस चालू किए हो सकता है वो अपने होम कंट्री को भेजें राइट तो ऐसा भी हो सकता है तो ये डिसएडवांटेज uh, है तो प्रॉफिट रिपेट्रिएटेड इन फॉरन एक्सचेंज प्रॉफिट ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज आर रिप्रेटेड इन द फॉरन एक्सचेंज यूजली अमेरिकन डॉलर्स ओके दैट डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ठीक है तो इस तरह क्या होता है कि जो फॉरन uh, एक्सचेंज होता है वो भी यूजली किस में होता है डॉलर्स में ही होता है राइट right? तो डेवलपिंग कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम uh, क्रिएट कर देते हैं राइट तो ये एक uh, डिसएडवांटेज है फोर्थ क्या है तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है uh, जो uh, वे, उन लोगों के साथ काम करती है जिनका स्टैंडर्ड क्या है जो ले, लो, लेबर है राइट right? उनका स्टैंडर्ड क्या है लोअर है राइट right? और एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इन डेवलपिंग कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्री में एनवायरमेंट है राइट right, उसकी वजह से क्या होता है इन्वायरमेंट को भी इन्वायरमेंट uh, भी क्या होती है डैमेज जाती है राइट right? तो ये फोर्थ डिसएडवांटेज है मल्टीनेशनल कंपनीज के डिसएडवांटेज कम है बट एडवांटेज बहुत ज्यादा है फिफ्थ क्या है लॉस ऑफ रेवेन्यू ओके वेरी ऑफन दे बार्गेन फॉर एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिबेट टैक्स रिबेट टैक्स रिबेट का मतलब क्या होता है टैक्स रिबेट मतलब डिस्काउंट ओके एंड टैक्स हॉलीडे ओके कि टैक्स लगाना नहीं है हॉलीडेज होता है होना टैक्स हॉलीडेज का मतलब क्या होता है टैक्स लगाना ही नहीं है दस डिप्राविंग द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ मस्ट नीडेड रेवेन्यू ओके द रेपेटेड प्रॉफिट बिकम अ पार्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस नेशंस इनकम ओके okay, तो अब क्या है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू तो ये भी एक प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज कह सकते हैं मल्टीनेशंस कंपनी का कि जो मल्टीनेशंस कंपनी है वो बार्गेन मतलब ऐसा बोल सकती है कि आ, उनके एडवांटेज के लिए वो टैक्स से मतलब टैक्स को कम करने बोल सकती है या फिर टैक्स हॉलीडे मांग सकती है राइट तो इसकी वजह से क्या होगा जो गवर्नमेंट है डेवलपिंग कंट्री का उसके लिए बहुत आम हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर टैक्स टेक, नहीं मिलेंगे तो वो डेवलपमेंट कैसे करेगा जो भी पब्लिक नीड है राइट तो इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जो चीज़ें हैं वो कैसे क्रिएट कर पाएगा राइट तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है मल्टी कंपनी को लेकर डिसएडवांटेज है सिक्सथ क्या है exploitations, राइट right? मल्टीनेशनल corporations सिक्योर एक्सेस टू चीप लेबर ओके एंड रॉ materials फ्रॉम द लेस डेवलपिंग कंट्रीज एंड बूस्ट देयर ओन प्रॉफिट राइट तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात बोली इन लोगों ने जो मल्टीनेशनल कंपनी वो क्या करती है सिक्योर एक्सेस टू तो चीप लेबर चीप लेबर कोई लेती है क्योंकि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट टर्म की चीज़ है तो मल्टी कंपनी क्या करेगी चीप लेबर को आसानी से ले सकती है क्यों क्योंकि कम पैसे में लोग काम कर लेंगे डेवलपिंग कंट्री में लोगों के पास जॉब नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन uh, है राइट right? तो मल्टी कंपनी क्या कर सकती है चीप लेबर को लेती है राइट एंड रॉ मटेरियल्स चीप रॉ मटेरियल भी लेती है uh, from, uh, ये लेस डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयर ओन प्रॉफिट खुद का प्रॉफिट कमाती है तो इस तरह क्या होता है प्रॉफिट तो ज्यादा कमा रही है राइट right? रॉ मटेरियल जो है उसको भी कम पैसे में ले रही है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रही है और चीप लेबर है मतलब प्रॉफिट हायर ज्यादा कमा रही है और लेबर को कम uh, सैलरी दे रही है तो इस वजह से क्या होगा एक्सपोर्टेशन होता है उस पर्टिकुलर कंट्री में राइट right? सेवेंथ क्या है इन अप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट राइट Multinationals companies have been uh, criticized uh, for using capital-intensive, right, or techniques in the countries that are labor-abundant, okay, and for produ producing products that appeal to urban elite instead of producing goods for the mass consumption. राइट right? तो जो मल्टी नेशनल कंपनी है उसका एक ये इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है ये इन अप्रोप्रियट टेक्निक्स राइट अब इन अप्रोप्रियट टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री लेबर अबेंडेंट मतलब लेबर अबेंडेंट का मतलब क्या होता है कि उस कंट्री में अगर लेबर बहुत ज्यादा है अबेंडेंट मतलब क्या बहुत ज्यादा है राइट right? तो मल्टी नेशनल कंपनी को उस कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करना चाहिए राइट लेबर इंटेंसि यू टेक्निक टेक्निक का यूज करने का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी राइट ज्यादा से लेबर को वो क्या करेगा हायर करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए अच्छा रहेगा बट वो कंपनी अगर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अगर जो कंट्री लेबर अबंडेंट मतलब लेबर इंटेंसिव है उस कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है राइट right? तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता राइट right? तो ज्यादा से ज़्यादा मशीनरी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगी ओके प्रोडक्शन नहीं होगा राइट तो, okay? हो right? तो उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा राइट right? तो ये एक बहुत बड़ी डिसेज uh, है मल्टीनेशनल कंपनी का राइट right? और वो क्या करती है मल्टीनेशनल कंपनी जो मास कंजशन जो सबके लिए ज़रूरत है वो प्रोडक्ट ना बना के सिर्फ जो अर्बन सिटीज एरिया में जो प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं वही बनाएगी राइट right? मतलब इन कहने का मतलब है कि जो पुअर पीपल हैं उनके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाएगी वो क्यों क्योंकि रिजनेबल प्राइस में बनाना पड़ेगा सो दैट पुअर पीपल भी अफोर्ड कर सके राइट right? तो ये सारी चीज़ें नहीं करेगी वो राइट right? तो वो उस कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं होगा राइट right? उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी मल्टीनेशनल कंपनी तो ये डिसएडवांटेज है मल्टीनेशनल कंपनी का ओके okay? तो हमने मीनिंग एडवांटेज और रोल फंक्शन और डिसएडवांटेज पढ़ लिए हैं आई होप आप लोग को समझा होगा थैंक यू सो मच